राम रहीम की कथित बेटी हरनीप्रीत को मंगलवार दोपहर 3 बजे हरियाणा पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला पुलिस कमिश्नर ने कहा हरनीप्रीत को एक और महिला के साथ पकड़ा गया। इस महिला का नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। बता दें कि राम रहीम को 25 अगस्त को रेप केस में CBI कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वह हेलीकॉप्टर में बाबा के साथ रोहतक गई, लेकिन उसके बाद से फरार थी। 39 दिन बाद हनीप्रीत पहली बार मंगलवार को मीडिया के सामने आए। दो न्यूज चैनलों को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि पापा के जेल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बता दें कि हनीप्रीत पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। पंचकुला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत की तलाश कर रही थी। पनाह देने वालों पर भी कसेगा शिकंजा। जिला पुलिस कमिश्नर PC चावला ने मीडिया से बातचीत में कहा हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने जीरकपुर पटियाला हाईवे से अरेस्ट किया गया। उसके साथ एक महिला और भी थी, उसका नाम नहीं बता सकते। हनीप्रीत को दोपहर 3 बजे अरेस्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर PC चावला ने बताया हरियाणा SIT के ACP मुकेश के पास हनीप्रीत के बारे में खबर आई थी कि वो इनोवा गाड़ी में ट्रैवल कर रही है। हरियाणा SIT के ACP मुकेश ने इसे अरेस्ट किया।